तो एंगेजमेंट पार्टी फंक्शन में तो होने वाले कि लौंडे आपको भी देख के बोलने वाले यार काश वो वाला मैं भी खरीद लिया होता। तो क्या हाल है दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं हूं विनीत गौर एंड आप देख रहे हैं WTT। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें आप लोग ने मुझे कहा था भाई कि मेन फैशन एक ब्लेजर सूटअप के ऊपर प्लीज वीडियो बनाइए एंड आपका रिक्वेस्ट सर आंखों पे। आज की वीडियो में आपको मैं से चार ब्लेजर लुक्स बताने वाला हूं जो एकदम परफेक्ट होंगे भले ही आप किसी एंगेजमेंट के लिए जा रहे हो या अपने खुद के एंगेजमेंट में जा रहे हो, वेडिंग हो, डेट हो, फंक्शन, कोई भी पार्टी के हिसाब से, भले वो विंटर हो या समर फंक्शन, सबके लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहने वाला है। बेंचमार्क के हिसाब से बात करो दोस्तों तो मेरी 5'9" की हाइट है, मेरा स्किन टोन हेजलनट है एंड मैं ज़्यादातर जो साइज पहनता हूँ वो होता है L। तो आप अपने हिसाब से कंपेयर करके देख सकते हैं कि फिटिंग कितनी अच्छी होने वाली है। मैंने जितने भी कलर सेलेक्ट किए हैं वो जो भी लड़के जो मेरे शेड्स के हैं जो मुझसे कम है उन सब पे अच्छा दिखेगा एंड ऑब्वियसली अगर आप कोई हो इसका जो शेड लेवल मुझसे बेटर है तो भाई साहब आप पे तो अच्छा दिखेगा ही। इन सारे ब्लेजर्स की प्राइसिंग आप इस पर कितना डिस्काउंट पा सकते हैं, कहाँ से आपको खरीदना है, सारी सब चीज़ें वीडियो में आगे तो वीडियो पूरा देखिए। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप कोई ब्लेजर ओन करते हैं, अगर ओन करते हैं तो कोई ब्रांड का है या किसी प्राइवेट लेवल का। नंबर वन पे जो मैं आपको ब्लेजर सजेस्ट कर रहा हूँ वो है बाय वैन हुसेन का स्पेशल एडिशन का रॉयल ब्लू ब्लेजर। यार ये ब्लेजर की अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूँ तो बहुत ही कमाल का लगता है, एकदम रिच एंड हाई इन क्वालिटी। वैन हुसेन यार अपनी स्टिचिंग में बहुत अच्छे से काम करती है, दिस इज द रीज़न यार जो उसकी फिट है मुझे बहुत ही अच्छे से आई है। अगर मैं ब्लेजर की शोल्डर के हिसाब से बात करूँ द फिट वॉज वेरी गुड। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको लेपल कहते हैं, लेपल भी एकदम सेम टोन में है जो मुझे बहुत अच्छे लगती है। बिकॉज यूजली क्या होता है ना कुछ डिजाइनर्स ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई ब्लेजर का शेड अलग हो, लेपल शेड अलग हो सो दैट वो हाईलाइट हो जाए। मैं वैसे चीज़ें नहीं सिलेक्ट करता बिकॉज मेरे स्किन टोन पर वो सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। एंड अगर आप कोई जो मेरे शेड के आसपास हो तो मैंने पहले ही कहा है हम जैसे लोग के लिए अगर हम सॉलिड कलर्स में जाए ना तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये 2-बटन ब्लेजर है इसका मतलब हमेशा याद रखिए कि भाई आप खड़े हैं तो खाली ऊपर का एक बटन बंद करेंगे, जब हम बैठेंगे तो भाई आपको बटन ओपन रख देना है सो दैट आपको बैठने में आराम से कंफर्टेबल फील हो। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेजर एटिकेट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर देना डूज एंड डोंट व्हाइल यू आर वेयरिंग अ प्रॉपर सूट अप। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं सूट एटिकेट के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर कर देना द डूज एंड डोंट, मैं उसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके ब्रिस्ट पे आपको 4 बटन मिलते हैं। याद रखिए जब कोई 4-बटन ब्लेजर्स होते हैं ना यूजुअली दोज आर फॉर्मल ब्लेजर्स। इसका मतलब यह भी है कि भाई अगर आप इसको पहन के जा रहे हैं तो भाई आपकी सेटिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए जा रहे हो, भले आप किसी और के जा रहे हो, अपने खुद की भी एंगेजमेंट के लिए जा रहे हो। अगर आपने मेरे व्लॉग चैनल मेरी सिस्टर के एंगेजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जाकर चेकआउट करके आओ, वो ब्लेजर मैंने वहां पहना हुआ है, इट इज लुकिंग अमेजिंग, कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं एंड आई लाइक द फैक्ट कि वैन हुसेन का एक लोगो लगा हुआ है लेपल के ऊपर विच लुक्स वेरी क्लासी। 2 पॉकेट्स ऑन द साइड ऑफ द ब्लेजर। और अगर मैं पैंट की फिटिंग के हिसाब से बात करूँ दोस्तों तो स्ट्रेट कट है ये। इस पर खाली मैं एक चीज आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई देखो पैंट को नीचे से ऑल्टर तो जरूर कराओ अगर आपको लेंथ ज्यादा लगती है, पर जो आपकी ओवरऑल लेंथ है ना वो लेंथ पे एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा रखिए सो दैट जब आप नीचे शूज पहन रहे हो ना तो उस पर वो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे, कवर अप कर रहे। शूज में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप ब्लैक लेदर शूज भी जा सकते हो या जैसे मैंने पहना है ब्राउन लेदर मैश्ड विद अ स्टील वॉच, गुड टू गो। चाहो तो एक्सेसराइज करने के लिए कुछ फिंगर रिंग्स पहन लीजिए एंड आपका ओवरऑल जो लुक है एंगेजमेंट पार्टीज के लिए डन। इस पर जो मैंने शर्ट अंदर पहनी हुई है मैंने व्हाइट रखा है, आप चाहो तो इसको मिक्स मैच कर सकते हो। देखिए डिपेंडिंग अपन फंक्शन आप जिसमें जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी शाम के फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे लाइट्स कम है देन आई वुड सजेस्ट के अंदर व्हाइट शर्ट पहन लीजिए सो दैट थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर उठ के आए एंड व्हाइट एक पॉजिटिव कलर है दोस्तों। एंड अगर आप मान लो तो किसी मॉर्निंग फंक्शन के लिए आपसे जा रहे हो आउटडोर है धूप वूप है देन यू कैन एक्सपेरिमेंट विद अ ब्लैक शर्ट ऑल्सो इन साइड, थोड़ा आपको वो शार्प लुक दे। अब प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी थी अराउंड 12,000 रुपीज़, बट वैन हुसेन पे सेल्स चल रहे हैं तो अगर आप रिटेल में जाके खरीदेंगे तो ये सेम आर्टिकल आपको पड़ सकती है फॉर अराउंड 7,000 या 6,000 रुपीज़। रिटेल लाइन में ब्लेजर्स को आर्टिकल कहा जाता है, जिसको पता नहीं मैं उसको बता देता हूँ। तो दैट आप जब किसी रिटेल वाले के पास जाओ और बोलो भाई मुझे वैन हुसेन का ये आर्टिकल चाहिए जो विनीत गौर ने पहना हुआ है तो आपको एक्जैक्टली निकाल के दे सकते। नंबर सेकंड पे जो मैं आपको सूट सजेस्ट कर रहा हूं वो है वैन हुसेन का मैट ब्लैक 2-पीस सूट। You cannot go wrong with black. Black एक ऐसा versatile color है ना मेरे दोस्तों कि भाई सब पे suit करता है. Like this is meant for everyone. ये black suit मैंने पहले भी पहना हुआ है अपने एक दो functions में and this looks very classy दोस्तों. Like मैं इस blazer की अगर fitting के हिसाब से बात करूँ 5-on-5 है ये blazer. Like literally amazing blazer है. अगर इसकी bottom के साथ बात करूँ दोस्तों तो हल्का सा narrow cut में ये article में मुझे यही चीज काफी अच्छी लगी कि मैंने इसको नीचे से हल्का सा खाली alter करवाया था 2 से 3 सेंटीमीटर में and the shape was perfect. वैन हुसेन से ही मैंने उनको alter करा था तो alteration के मुझे कोई charges नहीं लगे। ये भी 2 पॉकेट ब्लेजर
सारे ऑन द आउटसाइड एंड अंदर की तरफ भी आपको टू पॉकेट्स मिलते हैं सो दैट यू कैन कीप योर स्टफ। ये ब्लेजर जो है वो थोड़ा सा हैवी ब्लेजर है, तो आप किसी विंटर वेडिंग के हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो भी परफेक्ट बैठने वाला है। ये ब्लेजर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, भले ही तुम किसी एंगेजमेंट में जा रहे हो, किसी वेडिंग फंक्शन में जा रहे हो, रिसेप्शन पे, यार ये बहुत ही सही ब्लेजर है। ये कॉम्प्लीमेंट करेगा ऑल टाइप ऑफ ओकेजन के हिसाब से। पार्टीज के लिए अगर आप जा रहे हो किसी फॉर्मल पार्टी के लिए, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राउजर्स ना पहने, आप चाहे तो चीनोस डाल सकते हो, बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रेडिशनल पार्टी एंड ऑल बहुत ही सेक्सी लगता है। वैनोसिन का एक लोगो मिलता है आपको उसके लेपल के तरफ में, लेपल का कलर भी सेम शेड का है, विच आई एम थैंकफुल कि मुझे ये कलर में सिंपल सा मिला है, सॉलिड मिला है, जो बहुत प्यारा लगता है। आप चाहो तो कोई पॉकेट स्क्वायर डाल सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू, पर वैनोसिन के साथ आपको पॉकेट स्क्वायर साथ में नहीं मिलता है। मैंने इस लुक को कंप्लीटली ऑल ब्लैक लुक बनाया हुआ है, आप व्हाइट भी डाल सकते हो यार, पर वो व्हाइट ना हमेशा मजा नहीं आता, वो कभी कभी ना कुछ पार्टी में वेटर वाली वाइब देता है, तो मैंने अंदर व्हाइट नहीं प्रेफर करूंगा किसी को कहूंगा पहनने के लिए, थोड़ा बहुत ज्यादा ही कॉमन हो जाता है। यू कैन गो एज अ ऑल ब्लैक लुक एंड वो बहुत ही क्लासी, बहुत ही सेक्सी लगेगा। ब्लैक शर्ट में आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो आप लाइक्रा मटेरियल यूज कर सकते हो या कॉटन का। लाइक्रा करोगे तो हल्का सा शाइन आती है जैसे मेरे वाले में आ रही है, आप चाहो तो आप कॉटन ले सकते हो तो हल्का सा मैट लुक आ जाएगा। शूज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप इसको ऑल ब्लैक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक लेदर ब्लैक शूज पहननी चाहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। फॉर्मल शूज थोड़ी सी आगे पॉइंटेड रहेगी भी तो चलेगा, अच्छा लगेगा, एलिवेटेड लुक आती है उसके ऊपर। वॉच में गो बेसिक, एक हैवी डायल का स्टील वॉच ले लीजिए, आपका काम हो गया। प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों तो ये ब्लेजर की MRP है अराउंड 10-11,000 रुपीज, जिसमें मैंने इसको परचेस करी थी। अगर आप इसको किसी रिटेल में आकर खरीदेंगे तो आपको 30-40% का आपको ऑफ पड़ जाना चाहिए। मेरी फोटो का स्क्रीनशॉट लेके मेरी वीडियो उनको दिखा देना, ये आर्टिकल वो समझ के आपको निकाल के दे देंगे। एंड अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो मैं एक दो सजेस्टेड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक फायदे की चीज है, नीचे मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया, जिसके ऊपर मैं 100+ वेबसाइट में, भले वो फैशन, ग्रूमिंग, टेक, परफ्यूम, किसके भी डिस्काउंट जब चलते हैं ना, हम उसके ऊपर सबसे पहले डालते हैं। मैं उस चैनल पे लाइव भी आता हूं, 1-on-1 थोड़े क्वेरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेता हूं। तो अगर आप कोई हो जिसको चीजें थोड़े सस्ते में खरीदना पसंद है तो डू गो एंड चेक दैट लिंक आउट, ज्वाइन द ग्रुप, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जब डिस्काउंट में चीजें मिल सकती है तो मेरे भाई पूरे MRP क्यों भरने हैं आपको। नंबर थर्ड पे जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ वो एक ब्लेजर सजेशन होने वाला है बाय वैनोसिन का रॉयल ब्लू चेक। ये ब्लेजर ना बहुत ही अच्छा कैजुअल ब्लेजर है, जो आप बेसिकली अपने पार्टी एंड फंक्शन में पहन के जा सकते हैं। दिस लुक्स वेरी क्लासी लाइक, मान लो आप किसी न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हो, या दोस्तों यारों के पार्टी में कोई रियूनियन टाइप का इवेंट होने वाला है, या भले आपके किसी कॉलेज का या किसी ऑफिस पार्टी होने वाला है, ये बहुत ही क्लासी ब्लेजर है। इसकी अगर मैं लेपल की बात करूँ तो सेम डिजाइन, सेम स्ट्रक्चर है, विच लुक्स वेरी एलिगेंट। एंड चेक ब्लेजर्स की ना एक अपनी एक सेक्सी वाइब होती है, लाइक लिटरली आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये चेक ब्लेजर ले रहे हैं तो उसके नीचे एक आप ऑफ व्हाइट में चीनोस ले लीजिए एंड अंदर एक व्हाइट शर्ट पहन लीजिए, मैच इट विद अ ब्लैक और अ ब्राउन बेल्ट, एंड शूज में भी इधर यू गो फॉर अ ब्राउन शूज लेदर में, वरना वुड ब्राउन में, बहुत क्लासी लगेगा। वॉच का सजेशन रहेगा कि आप चाहो तो एक स्टील वॉच पहन सकते हो, पर इस पे भी आपके पास ऑप्शन है, आप अगर बस एक लेदर वॉच हो। एंड फिंगर रिंग में कोशिश कर लेना, अगर आपके पास कोई अच्छी सी ब्राउन फिंगर रिंग है, जैसे ये मैंने पहनी हुई है, ये सारे एसेसरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, विल लुक अमेजिंग। लाइक लिटरली मेरी अपकमिंग पार्टी आने वाली है जिसमें मैं यही लुक लेके जाने वाला हूँ। इसमें खाली एक चीज़ है कि लेबल पे आपको वैनोसिन का लोगो नहीं मिलता है, ये बिकॉज ये सूट में यूजुअली वैनोसिन लोगो डाल के देती है, ओनली ब्लेजर्स में नहीं देती है, ठीक है, नॉट अ डील ब्रेकर। ये एक 2-बटन ब्लेजर है एंड इसके व्रिस्ट पे भी 2 बटन है, याद रखिए 2 बटन जिसके व्रिस्ट में होते हैं वो एक थोड़ी सी कैजुअल टाइप की ब्लेजर होती है, जिसमें 3 या 4 बटन होते हैं वो ज्यादातर फॉर्मल ब्लेजर्स होती है, सीखा कि नहीं कुछ नहीं। बट इफ यू वांट टू लुक क्लासी, इफ यू वांट टू लुक शार्प, देन आई वुड रिकमेंड वेयरिंग सच कैजुअल ब्लेजर्स। प्राइसिंग की बात करो दोस्तों तो मुझे इसकी प्राइसिंग पड़ी थी कुछ 6,000 रुपए के लिए ले देके, पर सेल में ऑब्वियसली 30-40% डिस्काउंट रहता है। इसका कुछ अगर सिमिलर पैटर्न है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये फोटो लेके अगर आप स्टोर पे जाओगे तो ये आर्टिकल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नंबर 4th पे एंड द फाइनल ब्लेजर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करें, वो है वैनोसिन का रॉयल ग्रे सूट। यार बहुत ही स्टाइलिश एंड एलिगेंट लगता है। इस टाइप के जो ब्लेजर होते हैं ना साउथ वेडिंग्स के लिए बहुत अच्छे से चलते हैं। लाइक अगर मैं ब्लेजर की फिटिंग के हिसाब से बात करूँ तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फिट आया, लिटरली शोल्डर ब्लॉक से बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैनली लग रहा है। अगर आप कोई हो थोड़े वाइड शोल्डर वाले हो, भाई साहब आपका स्ट्रेचर तो बहुत अच्छा दिखेगा। ट्राउजर्स के हिसाब से बात करूँ तो स्ट्रेट कट है, ऑब्वियसली याद रखना 3 सेंटीमीटर आप नीचे से कट करेंगे तो बेटर रहेगा। इसके ब्रिस्ट पे 4-बटन ब्लेजर है, दिस इज अ वेरी फॉर्मल ब्लेजर एंड मैं इसको रिकमेंड भी करूँगा, अगर आप किसी शादी में जा रहे हो तो ही इसको पहनिए, एंड अगर आपकी खुद की भी शादी है या एंगेजमेंट है देन एज अ ग्रूम आप पे भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये। इसको मैंने मैच किया है अंदर ब्लैक के साथ सो दैट वो एक थोड़ा शार्प इफेक्ट दे, वो थोड़ा KGF स्टाइल वाला लुक आता है उसके ऊपर, तो इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट। बट अगर आप कोई हो जो थोड़े इवनिंग वेडिंग्स के हिसाब से जा रहा है, आप वाइट उसको पहन सकते हैं। अगर आप कोई हो जो बेस्ट मैन है या वेडिंग में बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व हो आप,
यू आर अ स्पेशल इंपॉर्टेंट पर्सन, वेयर दिस ब्लेजर, दिस विल लुक वेरी गुड। इवन इफ यू आर अटेंडिंग द वेडिंग, भाई शार्प तो आप बहुत लगोगे। मतलब एक बार तो है कि दूल्हा कॉम्प्लेक्स खाएगा फॉर अ सेकंड। वो तो मैं बोल सकता हूँ, इन सारे ब्लेजर्स में से आप अगर कोई भी पहन के जाओगे तो एंगेजमेंट पार्टी फंक्शन में तो होने वाला है कि लॉन्डे आपको भी देख के बोलने वाला है, यार काश वो वाला मैं भी खरीद लिया होता। इसी टाइप का फैशन सेंस है भाई साहब हमारा, कि हम सॉलिड लेंगे, सिंपल लेंगे, वो सबसे एलिगेंट लेंगे। शर्ट में मैंने आपको अंदर सजेस्ट किया कि आप ब्लैक पहन लीजिए, एंड शूज में भी आपके पास ऑप्शन, आप इधर ब्लैक पहन सकते हो, थोड़ा सा ब्राउनिश टोन लो लेगे तो बहुत अच्छा है। प्राइसिंग से बात करो दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल मुझे पड़ा था कुछ 10,000 रुपए का, सेल पे जो चल रहा है वैन हुसैन का, उस पर अगेन आपको 30-40% ऑफ पड़ सकता है। इस आर्टिकल की फोटो लेके उनके पास चले जाइए तो आपको वो डिस्काउंट में मिल जाएगा। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको इन चारों ब्लेजर में से सबसे अच्छा कौन सा लगा है। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको पता नहीं है, मेरे चैनल में बहुत गिव अवेज होते रहते हैं, अगर उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, जीतना है, भले वो कैश प्राइज हो, परफ्यूम्स हो या क्या, नीचे मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर दीजिए, आपको उसके अपडेट एंड नोटिफिकेशन आ जाएंगे। एंड ऑब्वियसली यार चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है भाई साहब, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। एज ऑलवेज, अगर आपको चाहिए कि मैं कोई और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट कर देना, या यह है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, एज आपको पता है, वहाँ पे आके मुझे फॉलो करके डीएम कर दीजिए, वो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, एज ऑलवेज तुम जहाँ पर भी सेफ और सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोज़ के साथ, तब तक मिल जाएंगे।